हेलो फ्रेंड, अब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। सो फ्रेंड, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाली हूँ। अभी तमिल में हूँ, तमिल का थोड़ा बहुत जो भी दिखाई थी अभी, मतलब फेमस जो जगह है वो नहीं दिखा पाई क्योंकि वो काम पे जाते हैं, तो मैं अकेले यहाँ पे नया जगह तो जा नहीं सकती, और यहाँ पे अभी हमने घूम नहीं पाए। केरल में जाने वाले हैं, वहाँ पे समुंदर और जो जो नामी चीज़ें हैं वो आप लोगों से, जो भी फेमस चीज़ है वो आप लोगों से ज़रूर दिखाऊंगी, और आप लोग अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और आप लोग वीडियो को मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बहन आपकी बेटी पता है आ कितने दिनों से परेशान हो रही, साल भर हो गया। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करा करो अपने बहन को, हक से कह रही हूँ आप लोगों को, बहन हूँ आप लोगों से, हक से कह रही हूँ। आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली है, किसी को बेटी, किसी को बहन, किसी को दीदी, दीदी तो है मतलब वही क्या बोलते हैं, छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के सपोर्ट करा करो। तो चलिए वीडियो देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो के स्टार्ट। और आज देख रहे हैं ध्रुत और राधिका आए हुए थे और कह रहे हैं कि, मतलब पूछने को कोशिश कर रहे हैं कि हाँ बता दे ये बच्चा किसका है, क्लियर कर दे। एक हफ्ता हो गया समर के जेल में रहते हुए, अगर बता देगी, सच्चाई बता देती हो तो तुम्हारी, मतलब लाइट चली गई दोस्तों, लाइट चली गई है दोस्तों। तो ध्रुत ने कह दिया अगर सच्चाई बता दोगी तो हो सके तो समर के हम सजा कम करवा सकते हैं, उसे छोड़ा सकते हैं, तो तुम सच्चाई बता दो। तो उस दिन देख रहे थे जब कितने गिड़गिड़ा रही थी, जो तुम कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, मैं बच्चा गिरा दूँगी और जैसे तुम कहोगे ऐसे मैं तुम्हारे बात मानने को राजी हूँ, तुम मेरे को अपने घर लेके चलो। आज तो फिर गुनगुन का वही अकड़ है, अकड़ से बातें कर रही है और बिल्कुल भी झुकना नहीं चाह रही है, ना झुक रही है वो किसी के सामने। इतने ज़्यादा हस्बैंड है, हस्बैंड के रिस्पेक्ट करो, गलती बहुत ज़्यादा गलती करी हो तो उसको बनाने की कोशिश करो, तो तुम बराबर अकड़ दिखा रही हो, तो कहाँ घर बचेगा ही नहीं। और वो जोड़ना भी नहीं चाह रही है, वो घर चलाना भी नहीं चाह रही है, उसे तो रहना है समर भाई के साथ, तो समर भाई के साथ रहना है। तो राधिका को चिढ़ा रही है, राधिका के सामने अकड़ दिखा रही है, और उसको क्या बोलते हैं, ध्रुत के सामने भी बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाती है वो कभी कभी। उसको दिमाग कब सही होता है, जब समर भाई की मम्मी थोड़ा रोती है, परेशान होती है, तो चाहती है कि मैं अपना, मतलब वहाँ ध्रुत ले जा, मैं चली जाऊँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। उसका भी ज़िंदगी है, वो अपना ज़िंदगी बर्बाद करा है तुम्हारे पीछे, तो तुम भरोसे के लायक बनो पहले, तभी तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा। तुम तो कभी भरोसे के मतलब का हो ही नहीं, कभी कहती हो कुछ, कभी कहती हो कुछ, तो कहाँ से मान जाएगा। तो चलो उसको भी डिवोर्स दे के फ्री करो, और तुम्हें जो भी करना है तो सच्चाई बता दो। कब तक आखिर ये नौटंकी चलेगा, सच्चाई बता दो। और जो तुम चाहती हो, अगर समर भाई के बच्चा है तो समर भाई को रखना ही पड़ेगा, और समर भाई के साथ तुम्हें रहने का मौका मिल गया है तो समर भाई के साथ ही रहो, ज़िंदगी आज़ाद कर दो राधिका को और ध्रुव को, उन दोनों बेचारे को ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उन लोगों के दोनों के कोई ना कोई सिलवेशन तो निकलना चाहिए, तो तुम बता ही नहीं रही हो, बीच में अटका कर रखी हो। डीएनए रिपोर्ट तो एकदम मतलब क्लियर कर चुका है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है लड़की। चलिए गाइस, ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे कोई नई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते हैं क्या क्या होता है उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे।